कल हिमाचल कैबिनेट की बैठक है और वहीं राज्य सचिवालय में ये बैठक रहने वाली है। प्राकृतिक आपदा से आई त्रासदी को लेकर चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। नए रिलीफ मैनुअल को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक तय 25 जुलाई को राज्य सचिवालय में होगी। 12 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक रहने वाली है हिमाचल में, क्योंकि प्राकृतिक आपदा से त्राहिमाम मचा है और ऐसे में प्राकृतिक आपदा की वजह से आई त्रासदी को लेकर चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। नए रिलीफ मैनुअल को भी मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आप देखने वाली बात यह होगी कि क्या रहता है नए रिलीफ मैनुअल को लेकर। तो कल हिमाचल कैबिनेट की बैठक रहने वाली है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, प्राकृतिक आपदा से आई त्रासदी को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है। नए रिलीफ मैनुअल को इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। तो तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे इस बैठक में। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई उससे त्राहिमाम मचा हुआ है और ऐसे में इस समय हिमाचल प्रदेश लगातार आस की नजरों के साथ केंद्र सरकार को भी देख रहा है और कहीं ना कहीं अपनी आर्थिकी को और मजबूत करने में जुटा है। तो ऐसे में जो कल कैबिनेट की बैठक रहने वाली है, इसमें क्या कुछ बिंदु खास रह सकते हैं, खासतौर से नए रिलीफ मैनुअल को लेकर अगर बात करें? बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है, लगभग 5000 करोड़ के पार ये नुकसान चला गया है, तो ऐसे में इसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। ओवरऑल रिव्यू जो है उसमें मुख्यमंत्री ले सकते हैं और जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो इसको लेकर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी इस कैबिनेट बैठक में दे सकता है। तो कल 12 बजे राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू होनी है और उसमें एक तो जो डिजास्टर हिमाचल में हुआ है उसको लेकर चर्चा होनी है, रिलीफ मैनुअल को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो पूर्व में रिलीफ मैनुअल जारी किया गया है वो 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो नुकसान हुआ था केवल उसमें वो रिलीफ देने का प्रावधान है। अब डिमांड ये भी उठ रही है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि नुकसान बारिश में भी होता है, बर्फबारी में भी होता है, सूखे में भी होता है, तो ऐसे में उस रिलीफ मैनुअल को अब हमेशा के लिए किया जाए, तो संभवतः उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और इसके साथ साथ अगले महीने जो मॉनसून सत्र होने वाला है उसको लेकर जानकारी है कि कैबिनेट में इसका भी एजेंडा आएगा कि कब से लेकर कब तक ये मॉनसून सत्र करना है, क्योंकि हिमाचल में 7 दिन का कम से कम मॉनसून सत्र होता है, तो इसको लेकर कल तिथियां जो है तय की जाएंगी और उसके बाद राज्यपाल को भेजी जाएंगी, फिर राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की नोटिफिकेशन जो है वो राजभवन से जारी करते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि जब भी जो मॉनसून सत्र होता है तो उसकी तैयारियों के लिए भी विधानसभा को 20 से 25 दिन चाहिए होते हैं और ये हमेशा अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में, कई बार 20 तारीख के बाद होता है, कई बार अंतिम सप्ताह के आसपास की तिथियां जो है इसकी रहती हैं। तो अब देखना ये होगा कि अभी आपदा भी प्रदेश में आई हुई है, नुकसान भी हुआ है, बारिश की आगे भी संभावना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको आगे पीछे करना पड़े, ऐसी भी चर्चाएं हैं, तो फिर भी कल इसको लेकर क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल प्रदीप। और देखिए काफी ज्यादा खास है क्योंकि आपदा के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है।